परफॉर्म्ड एबीजी। एबीजी कैसे परफॉर्म करते हैं आइए जानते हैं पूरी स्टेप्स। तो एक के बाद एक स्टेप हम सीखेंगे। नंबर वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप नंबर वन, सबसे पहला वॉश योवर हेड। चलिए मैं जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करते जाना, ठीक है दोस्तों? जैसा जैसा प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं हम, तो क्लिनिकल पोर्शन में टोटल क्लिनिकल एक्टिविटीज को हमें करना है। आज मैं दावे से ये कह सकता हूं कि अब मेरा नर्सिंग प्रोफेशन क्लिनिकल में धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। अस्टिन, पहले का समय वो था जब मैं क्लिनिकल नहीं पढ़ाया था, उससे पहले का समय वो था कि नर्सिंग स्टूडेंट्स, जैसे दोस्तों मैं कहता हूं, एक और बात बताता हूं, थोड़ी समय लूंगा आपका। मेरा नर्सिंग स्टूडेंट, अभी अभी भी मुझे एक विद्यार्थी का कॉल आया था कि सर मैंने कोचिंग भी कर ली है और मैंने सारा स्टडी मटेरियल भी लर्न कर लिया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं 1.5-2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं। अरे सिलेक्शन कैसे होगा यार, कैसे होगा सिलेक्शन? केवल बेटा एक ओबीजी का रजिस्टर याद कर लेना, 2 MSN का रजिस्टर याद कर लेना, एक फंडा का और एक CHN का और एक पीडियाट्रिक का रजिस्टर की थ्योरी याद कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। अरे ये तो केवल मात्र 10वीं क्लास के बच्चा याद कर लेता है इतनी सी चीजें, जितनी सी याद करके आप घूमते रहते हो। आज हम नीट के बच्चों को भी प्रिपेयर करते हैं, एक नीट का विद्यार्थी कम से कम 20,000 से 30,000 क्वेश्चन सोल्व करता है दोस्तों। यानी कि सिंपली आपके पास हथियार है लेकिन उसको चलाना कैसे सीखोगे? चलाना नहीं, जब तक नहीं आएगा प्रॉपर वे में तब तक आप नहीं डिसीजन ले सकते हो प्यारे साथियों। जो आप मुझसे ये मत पूछा करो कि सर मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा। अरे सेलेक्ट नहीं होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपकी वीक क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि दोस्तों केवल आपकी कोचिंग का या कहीं का भी स्टडी मटेरियल है उसके 5 रजिस्टर याद कर लेने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अरे आपने ये तो सीखा ही नहीं कि उस एक लाइन में से 10 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यानी जब एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो एक लाइन जो आपने नोट्सों में रट ली है, याद कर ली है, जब तक उस लाइन के क्वेश्चन बना बना के नहीं सीखोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन बहुत दूर रहेगा, अछूता रहेगा। दोस्तों जितना सा हम पढ़ते हैं, यानी कि एक जो 4-5 रजिस्टर हमने याद कर लिए, बहुत रट लिए, टिप्स पे लेके आ गए, अरे इतना सा एक 8वीं क्लास का बच्चा याद कर लेता है, एक 10वीं क्लास का बच्चा याद कर लेता है। साथियों जब तक आप 10 से 20 हजार क्वेश्चन सोल्व नहीं कर लोगे तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिलेक्शन हो जाएगा। यानी दोस्तों हमें थ्योरेटिकल पोर्शन को याद करने के साथ साथ ही कम से कम 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन का रेशनल सीखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर, समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई हम सेलेक्ट होने लायक है। आप किस बेसिस पे कह देते हो कि सर मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा? अरे क्या 4 किताबें याद कर लेने से, क्या 4 रजिस्टर पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है? तो फिर बाकी वो बच्चे क्या करेंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं? तो प्यारे साथियों मैं आपसे यही कहूंगा, सॉन्डर्स हो, PRO, मॉसबी हो, एवरीथिंग जो भी हो आपके पास, सब कुछ सोल्ड होना चाहिए। आप सारे क्वेश्चंस को परफेक्ट करें, जब तक क्वेश्चन परफेक्ट नहीं होगा तब तक कैसे सिलेक्शन के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ी कमी रह रही थी कि स्टूडेंट्स थ्योरी याद कर लेता है, क्वेश्चन भी कर लेता है, बट उसको क्लिनिकल के नाम पे फिर भी नॉलेज शून्य थी, जीरो थी। तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में क्लिनिकल पोर्शन सिखाऊंगा। और पिछले 1.5 महीने से इसीलिए हर एक प्रोसीजर को बहुत डिटेल में आपको सिखाया जा रहा है दोस्तों, हर प्रोसीजर को काफी डीपली स्टेप बाय स्टेप। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी प्रोसीजर, चाहे आप वेनी पंचर करने के लिए जा रहे हो, आज से पहले आपको नहीं पता था कि कैसे करना है, एक लाइन याद हो जाने से कुछ नहीं होता है साथियों, पूरा प्रोसीजर याद होना चाहिए, पूरी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। अरे एक लाइन याद करके आप कंपटीशन में नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते। यानी दोस्तों आपको पूरा ब्रॉड नॉलेज की आवश्यकता है आज।
आज जब तक नर्सिंग प्रोफेशन बड़ा नहीं होगा, आज बच्चा बच्चा ही बना रहेगा। नर्सिंग प्रोफेशन को बढ़ता हुआ अगर देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ से, जो स्ट्रेटेजी आपको सिखा रहा हूँ, उसको 100% फॉलो करो और उस पे काम करना शुरू करो, उस पे अमल करना शुरू करो। जब तक आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करोगे तब तक हमें बहुत परेशानी आएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्या परेशानी आ रही है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट है, वो सारे कंफ्यूजन तब दूर होंगे दोस्तों, जैसे आपने नोट्स पढ़े, कोचिंग करी, सब याद कर लिया। वो तो इतना सा स्टडी मटेरियल 6 महीने में याद करके बैठ जाता है बच्चा जो आपके पास रजिस्टर होते हैं। अरे 6 महीने में उसको याद कर लेने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन। जैसे एक लाइन याद करी, लेकिन उस एक लाइन से 10 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपके ब्रेन में जैसे ही स्टडी मटेरियल याद होता है, बहुत ब्रॉड लेवल का कंफ्यूजन इकट्ठा हो जाता है, कंफ्यूजन, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें फॉलो करते हो। कभी तो आप वहां पढ़ने चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी क्या पढ़ लिया, कभी क्या पढ़ लिया, कभी व्हाट्सएप पढ़ लिया, कभी फेसबुक पढ़ लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते हो। और इसलिए कंफ्यूजन इतना बड़े लेवल पे क्रिएट हो जाता है अंदर, खोपड़े के अंदर, कि अब कंफ्यूजन की वजह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव शुरू हो जाते हैं। और नेगेटिव शुरू हो जाते हैं ना दोस्तों, तो सिंपली इसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। यदि अगर हमें सेलेक्ट होना है और नेगेटिव को रोकना है, तो सबसे पहले तो हमें कोई एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें क्या फॉलो करना है। अगर आपको सॉन्डर्स फॉलो करना है तो आप सॉन्डर्स ही करें, अगर आपको मौसमी फॉलो करना है तो आप मौसमी करें, साहू सर को फॉलो करना है तो साहू सर को करें, एमसीआई को फॉलो करना है तो एमसीआई को करें, बुगली को करना है तो बुगली को करें, और सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी करें। तो पहले एक निर्णय तो लो, आप तो किसी के नहीं हो सकते, आप तो इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी क्या, कभी क्या। तो इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर कंफ्यूजन भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। कंफ्यूजन इतना इकट्ठा हो गया है कि अब उस कंफ्यूजन को कैसे मारा जाए। कंफ्यूजन नाम का एक राक्षस आपने अपने अंदर पैदा कर लिया है, और ये कंफ्यूजन नाम का राक्षस आज इतना बड़ा हो चुका है कि ये हमारे सिलेक्शन को रोक रहा है। जब तक हम इस राक्षस को अपने अंदर से नहीं मारेंगे साथियों, तब तक ये कंफ्यूजन रूपी राक्षस हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसको मारना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। और इसको खत्म करने का तरीका केवल एक ही है कि केवल जैसे नोट्स में आपने कुछ पढ़ा, और पढ़ते ही उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उस क्वेश्चन को कम से कम 10 तरीके से पूछो, 10 तरीके से बनाओ, 10 तरीके से बना के सुनो, उसको पढ़ो, उसको बार बार रिपीटेशन करो। आज पहले क्लिनिकल के मामले में पूरा नर्सिंग प्रोफेशन बहुत अछूता था, बहुत अंधेरे में था, लेकिन वन बाई वन में अब एक एक क्लिनिकल प्रोसीजर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो अब हर तरह का क्लिनिकल प्रोसीजर बच्चे को ब्रॉड लेवल से पता चलने लगा है। तो जैसे ही ब्रॉड लेवल से क्लिनिकल सीखा, तो उसके अंदर से वो जो क्लिनिकल नाम की एक बहुत बड़ा राक्षस था, डर था, वो भी धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। और क्लिनिकल के नाम से अब बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और एक अच्छी फीलिंग उनको अंदर जनरेट होती जा रही है, कॉन्फिडेंस जनरेट होता जा रहा है कि सर जो क्लिनिकल पोर्शन बहुत कमजोर हुआ करता था, आपने थ्योरेटिकली इसको पढ़ा करके और पूरा क्लिनिकल वाली एक फीलिंग हमारे अंदर पैदा कर दी। इससे हम क्लिनिकल में कैसे वर्क करेंगे, इसको लेकर के हमारे अंदर जो डर हुआ करता था वो डर पूरा खत्म हो गया है। और इसी के माध्यम से हमारी कंपटीशन की नॉलेज भी काफी मजबूत होती जा रही है, काफी इंप्रूव होती जा रही है, और इन सब से हम एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। तो सिंपली जैसे कि आज हम ले एबीजी की ही बात कर लें, तो दोस्तों एबीजी आपने सुना जरूर होगा, एबीजी आप जानते भी होंगे, कुछ चुनिंदा चीजें इसके बारे में हमने रट भी रखी होगी। लेकिन यदि अगर हमसे कह दिया जाए कि एबीजी कैसे किया जाता है, एबीजी कैसे करते हैं, तो आप में से मोस्टली बच्चे केवल मात्र ये बोल पाएंगे, इससे आगे नहीं बोल पाएंगे कि ये रेडियल आर्टरी होती है, इस पे प्रेशर लगाते हैं, फिर मुट्ठी बंद करते हैं, मुट्ठी खोलते हैं और इसका कलर देख लेते हैं कि कलर अगर आ गया तो हम इससे सैंपल ले लेते हैं। फिर इतनी बात ही आप में से मोस्टली लोग बता पाएंगे, इवन वो लोग भी जो सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं ओपन कहता हूँ सारी बात कि इवन वो लोग भी जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जॉब लग चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को सिस्टमेटिक वे के अंदर क्लिनिकल प्रोसेसेस नहीं आते हैं,
और वो ही सब कुछ हमें सीखना है। तब तक हम नहीं सीखेंगे दोस्तों, तब तक हमारा लेवल नहीं इम्प्रूव हो सकता है। तो जितने भी क्लिनिकल प्रोसीजर मैंने सिखाए हैं, वो सारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। जैसे आप वेनी पंचर करने जा रहे हो कैसे करोगे, जैसे आप CVP मॉनिटरिंग करने जा रहे हो कैसे करोगे, क्या प्रोसीजर होता है, ट्रेकोस्टोमी करने जा रहे हो, कोलोस्टोमी करने जा रहे हो, एनजी ट्यूब फीडिंग करने जा रहे हो कैसे करोगे, गैस्ट्रोटोमी क्या होता है, जेजुनोस्टोमी क्या होता है, ये सब चीजें जब तक हम पूरे ब्रॉड तरीके से सिस्टमेटिक वे में नहीं सीखेंगे दोस्तों, तब तक हम फॉरेन नर्सेस को मात नहीं दे सकते। और मेरा जो विजन है, मेरा विजन आप जाने या नहीं जाने, अभी तक नहीं जाने तो आज सुन लीजिएगा, मेरा विजन है इंडियन नर्सेस को फॉरेन नर्सेस से उसी की तरह, उसी से बेटर एक नॉलेज लेवल प्रोवाइड करना, कि फॉरेन नर्सेस को जो आज एक रेस्पेक्ट मिलती है, वो इंडियन नर्सेस को भी फ्यूचर में एक रेस्पेक्ट वैसा ही मिले। और मेरा विजन यही है दोस्तों कि फॉरेन नर्सेस की तरह ही इंडियन नर्सेस को भी डेवलप किया जाए, उनको भी सिखाया जाए और उनको भी उसी तरह का एक सम्मान दिलाया जाए जो फॉरेन नर्सेस को मिलता है। और उसी तरह का सम्मान इंडिया के नर्सेस के अंदर अगर मुझे लाना है तो मुझे उनका नॉलेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मुझे उनकी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, मुझे उनके अंदर स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे और क्लिनिकल बेस को उनके अंदर मजबूत करना पड़ेगा। और अगर मैं ये सब कर पाने में सक्षम हुआ तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील करूंगा, मैं अपने आप को एक ऐसा फील करूंगा कि हाँ मैंने इस प्रोफेशन के लिए कुछ किया है, और मैं अपने आप को एक सेटिस्फैक्ट्री व्यक्ति फील करूंगा, सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा कि हाँ जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, जिससे मेरी जीवन चल रही है, मैंने उस प्रोफेशन के लिए कुछ तो किया है, कुछ ना कुछ किया है, ऐसी सोच रख करके मैं आपके लिए ये सारी चीजें प्रिपेयर करके और आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको इन सब चीजों का एडवांटेज पूरी तरह से लेना है, और आपको भी एक फॉरेन नर्सेस की तरह ही आपको भी अपने अंदर ये सब नॉलेज लेवल को बढ़ाना है, क्लिनिकल को मजबूत करना है और कुछ बन करके दिखाना है। क्लियर है गाइस? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ये सब बातें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, फ्यूचर में आपको सीखना है। अस्टीन गाइस, तो आज हम केवल ये नहीं कहेंगे कि एबीजी केवल ऐसे करके सिरिंज डाल के और ब्लड ले लेते हैं और उसको एबीजी कहते हैं। आज हम वो एबीजी सीखेंगे जिसमें कि पूरा मैकेनिज्म होगा, पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा सिस्टमेटिक वे में होगा कि पहले क्या करना है। अगर पहले सीजर उठाना है तो पहले सीजर ही उठाना है, पहले निडिल उठाना है तो पहले निडिल उठाना, एक सीक्वेंस हम लोग इसके माध्यम से सीखेंगे। कि जब हम, जैसे दोस्तों हमसे हॉस्पिटल के अंदर कुछ कहा जाता है, कुछ करने के लिए कहा जाता है, तो हमारे कदम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं आता है, इसलिए हमारे कदम रुक जाते हैं। यदि अगर हमें जब आज से अब हमें आने लगा है, जैसे मैं 40 प्रोसीजर पढ़ा चुका हूं, तो 40 प्रोसीजर कम से कम आपको आने लगे हैं। अब अगर फ्यूचर में कोई भी आपको बोल देगा क्या तुझे ड्रेसिंग करना आता है, अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों कि आपके कदम अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। जब कभी भी कोई फ्यूचर में अब आपको कहेगा कि एबीजी सैंपलिंग आता है, तो आपके कदम खुशी के मारे झूम जाएंगे, आप खुशी के मारे झूम जाओगे कि नहीं यार वाकई मुझे एबीजी आता है, और इतने बेस्ट तरीके से आता है कि अब आपके अपने आप कदम चलने लगेंगे। जैसे कोई कहेगा आपसे, कुछ भी प्रोसीजर आपसे बोले, अब कोई भी बोले एनजी ट्यूब फीडिंग आता है, एनजी फीडिंग आता है, तो आपका वो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर क्रिएट होगा और आप अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाओगे। क्यों आगे बढ़ने लग जाओगे? क्योंकि आपको वो पूरा प्रोसीजर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लर्न है, और इस वजह से आप उस प्रोसीजर को करने के लिए एक्साइटेड हैं। और जब आपके सीनियर आपको कहेंगे, तो आपके सीनियर जैसे बोलेंगे कि ऐसा करना आता है, तो आपके कदम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें हमारे अंदर का वो कंफ्यूजन निकालना है, अपने स्किल्स को हमें बढ़ाना है, हमें बहुत कुछ करना है। अभी हम बहुत कम लेवल पर हैं पूरे नर्सिंग प्रोफेशन के लोग, अभी हमारी नॉलेज का कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, इसलिए धीरे 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 हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें हमारे स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, हमें हमारा नॉलेज, थोड़ी सोच जो है हमारी वो ब्रॉड करनी पड़ेगी, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको बहुत वाइड करना होगा, ब्रॉड करना होगा, और तब जा करके एक बेहतरीन प्रोफेशन हम डेवलप कर पाएंगे, बिल्डअप कर पाएंगे इंडिया में भी। फॉरेन में नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत ब्रॉड लेवल पे, लेकिन इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन कमजोर है। अब मैं ये सब कहता हूं तो लोगों को मजाक लगता है, राइट? तो सिंपली दोस्तों ये सब कर पाऊंगा मैं, कर दूंगा अकेला मैं कर पाऊंगा आपके लिए, आप निश्चिंत रहो,
लेकिन आप ये सब करना स्टार्ट करो जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्लियर है? और अनस्टेन गाइस, तो चलिएगा आगे सिखाता हूँ अब क्या स्टेप्स होती हैं, किस तरीके से हम एबीजी सैंपलिंग करेंगे। फ्रेंड सबसे पहला